नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग कोल्हापुर के ग्राम दैवत कपिलेश्वर के बारे में जानने वाले हैं। कोल्हापुर का नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी का मंदिर आ जाता है। कोल्हापुर 3.5 शक्तिपीठ में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। उसी कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर से पश्चिम दिशा में लगभग 250 मीटर दूरी पर एक कपिलेश्वर मंदिर है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक है। इस मंदिर के तीनों बाजू में धान की दुकानें, सब्जी की दुकानें और फल की दुकानें हैं। यह इस मार्केट को कपिल तीर्थ मार्केट के नाम से जाना जाता है। कपिलेश्वर को कोल्हापुर का ग्राम दैवत कहा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख वेंकटाचल महात्म्य, करवीर महात्म्य और अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में किया गया है। कोल्हापुर में अनेक जलाशय और कुंड हुआ करते थे और प्राचीन काल में कोल्हापुर को देवभूमि माना गया था। अनेक ऋषिगण यहाँ आके तप करते थे। जिस जलाशय के पास ये ऋषिगण तप करते थे उस जलाशय को तीर्थ के नाम से जाना जाता था और जो ऋषिगण उस जलाशय के पास तप करते थे उस जलाशय को उनके नाम से जाना जाता था। जैसे अभी कपिल मुनि ने यहाँ आके तप किया था, इसलिए इस जलाशय को कपिल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और कपिल ऋषि ने यहाँ भगवान शिवलिंग की पूजा की थी, कपिलेश्वर भगवान की पूजा की थी। और इस मार्केट को भी कपिल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कपिलेश्वर भगवान के मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चालुक्य के राजा के कार्यकाल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी वास्तुकला के अनुसार हुआ है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक है, फिर भी बाहर के कोई काफ़ी लोगों को इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस मंदिर के पिलर्स स्तंभ आप देख सकते हैं। यह मंदिर लगभग 900 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला आप देख सकते हैं। मंदिर के बाहर साइड में बैठने के लिए बेंच है और ये मंदिर के साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ जो पूजा करते हैं उनका नाम और नंबर दिया गया है। कोल्हापुर के ग्राम दैवत होने की वजह से ये कोल्हापुर के लोगों को ज़्यादातर मालूम है। घर में किसी भी धार्मिक कार्य, शुभ कार्य की शुरुआत ग्राम देवता के दर्शन से की जाती है। धर्माधिकारी परिवार कई पीढ़ियों से इस मंदिर की देखभाल और पूजा कर रहा है। इस मंदिर में उत्तराभिमुख शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने पश्चिमाभिमुख नंदी है। यह मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया है और हेमाडपंथी वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल किया गया है। यह आप इधर देख सकते हैं। अभी आप मंदिर का अंदरूनी भाग देख सकते हैं। यहाँ की वास्तुकला, शिल्पकला यादवकालीन की तरह लगती है। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर के छत का हिस्सा। यहाँ हनुमान मंदिर भी है। आप देख सकते हैं हनुमान जी की सुंदर मूर्ति। यहाँ इस हनुमान मंदिर के पीछे एक पिलर पर या स्तंभ पर शिलालेख लिखा हुआ है। इस शिलालेख में इस मंदिर का पूरा इतिहास इसमें लिखा गया है। इस मंदिर में सोमवार, श्रावण सोमवार, प्रदोष, महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। ये देखिए आप नंदी की मूर्ति। अरे नंदी की मूर्ति के दोनों साइड में गणेश जी की मूर्ति है और सामने मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और दर्शन ले सकते हैं। शिवलिंग के पीछे ओम लिखा हुआ है। यह देखिए शिव जी की पूजा चल रही। शिवलिंग के चारों तरफ स्तंभ है जिस पर कर्पूर
लगाते हैं, जलाते हैं। कपिलेश्वर मंदिर का गाभारा लगभग 10 फीट बाय 8.5 फीट का है और शिवलिंग के चारों कोने में स्तंभ है, ये आप देख सकते हैं। जिस समय हम लोग दर्शन के लिए गए थे उस समय प्रदोष था और प्रदोष की पूजा चल रही थी। ये मंदिर के बाहर साइड में भस्म रखा हुआ है, दर्शन करने के आने के बाद में लोग यह भस्म अपने माथे पे लगाते हैं। पूजा होने के बाद आरती शुरू हो गई। इस मंदिर के सामने जो कुंड जलाशय था वो बाद में प्रदूषण की वजह से पूरी तरह से उसको भर दिया गया, बुझाया गया। अभी उसी के ऊपर पूरा मार्केट अभी दिखाई देता है। अभी ये कुंड नहीं दिखाई नहीं देता। प्राचीन काल में जब इस कुंड में काफ़ी लोग आके स्नान करते थे। कपिला षष्ठी जो एक ऐसा योग है जिस योग पे काफ़ी लोग यहाँ आके स्नान करते थे। कपिला षष्ठी कई सालों में एक बार आता है और कपिला षष्ठी का योग भाद्रपद मास में आता है। कपिला षष्ठी के दिन यहाँ होम हवन पूजा किया जाता है। इस दिन यहाँ उत्सव के जैसा माहौल रहता है। इस मंदिर में रोज पूजा, अभिषेक, गणेश पूजा, रुद्रावर्तन, अथर्वशीर्ष बोल के पूजा की जाती है। हर शाम को धूप, दीप और प्रसाद दिखाया जाता है। हर सोमवार को यहाँ अभिषेक किया जाता है। कुछ भक्तों के इच्छा अनुसार लघु रुद्र, महारुद्र भी किया जाता है। श्रावण के महीने में इस मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। इस मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव काफ़ी जोर शोर से मनाया जाता है। लगभग 5 दिन ये उत्सव चलता है। इस उत्सव में पहले 4 दिन कपिलेश्वर भगवान की मूर्ति को पालकी में बैठा के मंदिर की प्रदक्षिणा की जाती है और आखिरी दिन में इस कपिलेश्वर भगवान की मूर्ति को पालकी में बैठा के नगर प्रदक्षिणा की जाती है। गुजरी, महालक्ष्मी मंदिर, भवानी मंडप के इलाके से यह गुजरती है। अगर आप कोल्हापुर जाते हैं तो इस मंदिर में जाकर कपिलेश्वर भगवान के दर्शन ज़रूर लीजिए।
यह देखिए इस मंदिर का शिखर। महालक्ष्मी मंदिर से सिर्फ 5 मिनट दूरी पर या फिर लगभग 250 मीटर दूरी पे ताराबाई रोड पे कपिल तीर्थ मार्केट में यह मंदिर है। कोल्हापुर के ग्राम बैंक होने के कारण कपिलेश्वर का दर्शन लेना बहुत ही अच्छा और अनिवार्य माना जाता है। मंदिर के बाहर और पीछे साइड में पार्किंग है। यहाँ गणेश जी, नृसिंह जी और लक्ष्मी जी के मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। नृसिंह और सूर्य नारायण के शिल्प भी इस मंदिर में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप कोल्हापुर आएंगे तो इस मंदिर में ज़रूर जाएंगे और कपिलेश्वर भगवान का दर्शन लेके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।